तो आज हम एडवांस एक्सेल में कुछ मिसलेनियस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे सीरीज की। सीरीज इसमें आपने देखिए डाउन होता है, लेफ्ट अप होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला लगाया, राइट, रैन बिटवीन का ही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। अब लगाने के बाद मुझे इसको करना है ड्रैग, तो कॉपी पेस्ट या ड्रैग करते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए डाउन आ गया, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में आया। यहाँ कंट्रोल डी और कंट्रोल राइट है, अप और लेफ्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अक्रॉस वर्कशीट, एक साथ कई सारे वर्कशीट पे काम करने का तरीका बताया था मैंने आपको कि आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें और काम कर सकते हैं, ये अक्रॉस वर्कशीट सेम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल टाइप किया या पहले से टाइप है, सेलेक्ट करके आप अक्रॉस वर्कशीट कर सकते हो। आप सेलेक्ट करके टाइप करोगे तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हमने कर दिया डेट और यहाँ डेट डाल दिया, राइट। अब मुझे इसको बाकियों पे करना है तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर ले और यहाँ अक्रॉस वर्कशीट करें और यहाँ चूज करेगा कि ऑल चाहिए या फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, ऑल चाहिए और फॉर्मेट चाहिए। तो यहां पे ओके करेंगे तो ये अपने आप चला जाएगा, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत, ठीक है। क्लियर है? जी अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होता है यहाँ सीरीज का। तो सीक्वेंस जनरेट करते हैं ना आप, यहाँ पे वन क्लिक किए, टू क्लिक किए, सेलेक्ट करके नीचे की तरफ सीक्वेंस जनरेट कर देते हैं, ठीक है। जी तो अगर आप ये माउस से ना करना चाहे, फीचर्स करना चाहे, तो इसके लिए सीरीज का ऑप्शन होता है। यहाँ आएंगे सीरीज, सीरीज में आपके पास होता है कि आपको लीनियर चाहिए या ग्रोथ चाहिए, रो बाय चाहिए, कॉलम बाय चाहिए, और यहाँ पे स्टेप की एक से वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, और ए आपका होता है स्टॉप वैल्यू की कितना होना चाहिए, 10 तक जाना है या सिलेक्ट सिलेक्ट जितना एरिया सिलेक्टेड है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कीजिए, ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। इसमें आप ग्रोथ करते हैं, इसमें ग्रोथ करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सीरीज में हमने ग्रोथ लिया और यहाँ टू कर दिया तो दो दो से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, ठीक है। जी इसका यूज कर ले, हालांकि इसका उतना खास यूज नहीं होता, लेकिन इसमें एक चीज होता है डेट का। जैसे जनरली मान लीजिए कि मुझे अक्टूबर का डेट करना है नीचे ड्रैग, तो आप ऐसे नॉर्मली ड्रैग करेंगे तो पूरा डेट आएगा ना। मैं चाहता हूँ इसमें सैटरडे एंड संडे का डेट ना आए, तो सीरीज के अंदर ऐसा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे वीक डे सेलेक्ट कर लें तो देखिए इसमें सैटरडे संडे नहीं है। उसी तरह से सीरीज में अगर मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरह से आएगा। ईएमआई वगैरह का कैलकुलेशन इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी
अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आता है हमारा जस्टिफाई। जैसे हमने कुछ नेम लिखे, नेम को नीचे की तरफ करते हैं ड्रैग, नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस सारे नाम को एक सेल के अंदर कंबाइन करना है, जैसे पूजा कॉमा मोहन कॉमा कविता कॉमा इंदर, इस तरह से एक सेल के अंदर हमें कंबाइन करना है। तो इसके लिए हमारे पास कॉनकेटानेट का फॉर्मूला होता था पहले, लेकिन आप इसको जस्टिफाई से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कॉलम को करना होगा बड़ा, इसको पकड़ के कर दीजिए बड़ा, डेटा को कीजिए सिलेक्ट और यहाँ जस्टिफाई को कीजिए रन। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जस्टिफाई का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका कॉलम में आएगा, सारे को सारे सारे डेटा को एक सेल में कर देगा। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जितना कॉलम में आएगा उतना ही डाल देगा, ठीक है? तो आप जो है कॉलम जितना बड़ा रखेंगे, तो अगर सारा का सारा डेटा एक कॉलम में आने वाला होगा तो एक कॉलम में आएगा, अदरवाइज नीचे कर देगा। आप बोलेंगे इसमें कॉमा तो नहीं है, हाँ स्पेस है, तो कॉमा तो इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं कि स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर, ऐसा किया जा सकता है। इसी को आपस मुझे नॉर्मल रो वाइज करना है, तोड़ना है, तो आप कॉलम को छोटा कर दे, दो सेल को सेलेक्ट कर ले और वापस आप करें यहाँ पे जस्टिफाई देन ओके। आप देखेंगे इस तरह से एक एक सेल को तोड़ के नीचे की तरफ ला देगा, राइट? लेकिन ये चीजें पुराने एक्सेल में होती थी, नए एक्सेल में तो टेक्स्ट ज्वाइन कॉनकेट ऐसे फॉर्मूला आ गए हैं जो इस काम को कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि इसने कर दिया, लेकिन और एक तो पुराने कॉमा एक्सेल लगा जो दिया, थे अगर टू थाउजेंड यहाँ पर में। कॉमा लगा होता तो फिर वो जस्टिफाई करने में वो सही से नहीं लेता ना। जी हाँ सही बोला, समझ में आ गए? अब जस्टिफाई के बाद हम बात करते हैं फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल जानते हैं क्या होता है सर? हाँ, बराबर में वो पूरा जो साइड में जो लिखा होगा वो उसको मतलब दूसरे कॉलम में कर फ्लैश देगा। फिल का काम होता है कि आपके अंदर जो डेटा है उस डेटा का जो पार्ट है उसको स्ट्रैक करता है, जो आप टेक्स्ट टू कॉलम से करते थे, टेक्स्ट टू कॉलम से करते हैं उसको अलग करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंद्रजीत राणा तीन चार नाम लिख दिए हैं, इस नाम को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। तो मान लीजिए उसमें से मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना, ठीक है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा पूजा, पूजा लिखा, लिखने के बाद एंटर प्रेस कीजिए और इसी को वापस कीजिए सिलेक्ट और यहाँ आइए फ्लैश फिल। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई, ये आपका पूरा पूजा। अब इसने क्या किया, पूजा को देखा कि पूजा की पोजीशन क्या है, उसी पोजीशन से बाकी सबको इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऐसे यहीं पे मैं करता हूँ सिंग और इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ फ्लैश फिल, तो जितने भी सिंह राणा शर्मा है उसको अलग कर दिया। ये टेक्स्ट पे ही नहीं हर तरह के डेटा पे चलता है, जैसे कि हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, और डेट हमारा कई मंथ का है, मुझे इसमें से मंथ अलग करना है। तो यहाँ पे OCT अक्टूबर हमने डाला, एंटर प्रेस किया और फिर इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। फिर यहीं पे आते हैं, हम करते हैं फ्लैश फिल, तो अक्टूबर के हिसाब से बाकी नीचे सभी का डेटा वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। समझ गए? अब इसी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स है, मुझे इसमें से बीच के जो नंबर हैं वो अलग निकालने हैं,
इसके अंदर जो 36 है हमने 36 को किया टाइप, इसको किया स्लैब और यहाँ गए फ्लैश फिल में। फ्लैश फिल में जैसे ओके किया ये 36 को रीड करते हुए बाकी सबको अलग कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा सिक्वेंस से मतलब कि सबका नंबर सेम है, नंबर ऑफ लेंथ सबका सेम है तभी ये वर्क प्रॉपर करेगा। जैसे कि मुझे इसमें से सेकेंड नेम अलग करना, तो किसी में सेकेंड नेम नहीं है तो वहां पे वो करेक्ट डेटा नहीं देगा। जैसे मैं कुमार लिखा, एंटर प्रेस किया और फिर इसमें मैं करता हूं फ्लैश फिल, अब देख पा रहे हैं इसने मोहन दे दिया। तो जिसमें सेकेंड नेम नहीं है उसमें उसने फर्स्ट नेम को ही उठा लिया, इसीलिए ये परफेक्ट नहीं होता है हर केस में। ओके इसलिए हमें अपने फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, राइट सर? ओके में हम डेसिमल वगैरह भी अलग कर सकते हैं, जैसे 52.36 मुझे इसमें डेसिमल अलग करना है तो 0.36 लिखा, सिलेक्ट किया और फ्लैश फिल। आई थिंक फ्लैश फिल को आप समझ गए होंगे, हालांकि फ्लैश फिल को आप पहले से जानते थे लेकिन इसके अंदर जो त्रुटि थी जो आपको नहीं पता हो सकता था वो मैंने ध्यान में रखते ही पढ़ा दिया। जी, तो फ्लैश फिल अब आपको पूरा साफ क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी जी अब इसमें बात करते हैं क्लियर का। जैसे मान लीजिए डेटा है, मुझे इस डेटा को हटाना है, तो आप बोले कौन सी बड़ी बात है, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट करना सही रहेगा, मुझे सब कुछ साफ करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट करते से ध्यान रखिए कि पूरा कॉलम डिलीट हो रहा है, हो सकता है इस कॉलम में नीचे डेटा हो। दूसरा, अगर डिलीट नहीं भी डेटा हो तो देखिए पूरा सिस्टम हिल गया ना सर। उसके अलावा अगर कोई लिंक है, अगर हमने इक्वल करके इसको सेलेक्ट करके कोई लिंक क्रिएट कर रखा है, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट, तो देखिए लिंक यहां से आ रहे थे क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। जी जी डाउट इसमें सर? नो इसलिए क्लियर अगर करना हो तो क्लियर के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है, तो यहां आते हैं, इसमें आपको क्लियर ऑल सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है, डेटा फॉर्मेट सब कुछ। उसके अलावा इसमें आता है हमारे पास क्लियर फॉर्मेट, जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करेगी डेटा ने। मैं बार बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंटेन जो नॉर्मल डिलीट करते हैं वो डिलीट का काम करेगा, कमेंट्स को क्लियर करेगा और हाइपर लिंक क्लियर या रिमूव किया जा सकता है। ओके ठीक है जी, हाइपरलिंक को किया जा सकता है, ठीक है सर? जी जी तो ये क्लियर समझ में आ गया जी। तो हमने दो टॉपिक पढ़ा, फिल्स और हमने दूसरा पढ़ा क्लियर। अब इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट था वो आपका सीरीज था, जस्टिफाई पहले इम्पोर्टेंट था बट अब टेक्स्ट वाइन फॉर्मूला आने से ये इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा, ठीक है जी। उसके अलावा आप इसमें फ्लैश फिल की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि फ्लैश फिल कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं शॉर्टिंग।
हालांकि सॉर्टिंग की टॉपिक आज मैं आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस समझा दूंगा। हालांकि सॉर्टिंग आप यूज करते होंगे, राइट सर? जी, बहुत तो सॉर्टिंग किस केस में यूज करते हैं? सॉर्ट हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं उसमें करते हैं, प्लस आपका फेवरेट टेबल्स में भी करते हैं, और सॉर्ट नहीं में नहीं जैसे वो फिल्टर बात जब नहीं, लगाते आप हैं किस तो भी करते ऑप्शन के हैं। साथ करते हैं ये मैं नहीं पूछ रहा, जी, मैं पूछ रहा हूं कि शॉर्ट का इस्तेमाल करने का मोटिव क्या होता है। मोटिव जी शॉर्ट में मतलब जैसे मतलब हम अलग अलग टाइप के, जैसे अगर कलर से है तो कलर से शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और मतलब वो वाले को हम एक साथ लिया है, वो वाला डेटा जो हमें देखना है ए टू जेड, जेड टू ए, तो नॉर्मल है। अगर कलरफुल डेटा है तो कलर के हिसाब से भी शॉर्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो ये सारी चीजें होती अच्छा हैं। चलिए एक सिंपल चीज पूछता हूं मैं कि मुझे यहाँ पे टॉप 10 ऑर्डर्स निकालने हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जो क्यूब के लिए सबसे इजी और सबसे फास्ट हो। टॉप 10 ऑर्डर्स के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं बराबर में, और उस पर हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, उसको लगाते नहीं, टॉप 10 इसकी पोजीशन के हिसाब से चाहिए कि बड़ा में सबसे बड़ा सेल, सबसे ज्यादा सेल, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हैं। अच्छा, वो मैक्सिमम टू मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज कर देंगे। जी हाँ, इसको हम शॉर्ट कर देंगे लोएस्ट टू हाई। अच्छा ये बताइए, आपने लोएस्ट टू डेटा हाई शॉर्ट कर लिया, फिर उसको अनशॉर्ट कैसे करें? अनसॉर्ट बैच है तो कंट्रोल जेड कर दिए, क्या कंट्रोल जी कर दिए। अच्छा कंट्रोल जी आप तुरंत कर लोगे ना? मान लो कि आपने फाइल सेव कर हाँ लिया, एक हफ्ते बाद फाइल ओपन किया, तो क्या कंट्रोल जी इस पे काम करेगा? नहीं, हाँ, दूसरी चीज वैसे अगर एक बार सॉर्ट हो गया और बहुत बड़ा डेटा है और जहाँ पर सीरियल नंबर नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है सॉर्ट करना। अगर जहाँ पर मतलब सीरियल नंबर नहीं दिया होगा ना तो उसको सॉर्ट करने में बहुत बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि छोटे डॉक उसमें तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, मगर जब जैसे हमारे पास डेटा है, हमारा है फ्रीजर डेटा जिसमें 1000 रोज हैं, उसको अगर किसी ने सॉर्ट कर दिया तो बड़ा मुश्किल होता है उसे, इसलिए हम सीरियल नंबर डालते हैं साथ में, कभी उससे दिमाग पता से। चल जाता है। हाँ, देखिए जब डेट डेट ऐसी दिक्कत आपको हो रही हो तो एक एक्स्ट्रा कॉलम सीरियल नंबर को डाल दीजिए, ठीक है ना? उसके जी, बाद वो हाँ, जितना वही करते जैसा हम मर्जी लोग। वैसा शॉर्ट करेगा, अनशॉर्ट करने के लिए सीरियल नंबर को अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दीजिए। एमएस एक्सेस के अंदर में है अनशॉर्ट का ऑप्शन, ठीक है, मत करो, इसमें नहीं है। जी, वो वैसा नहीं रहता है, वो हमेशा इधर उधर कर देता है। जी, ठीक है। जी, तो शॉर्ट और फिल्टर वगैरह तो मोस्टली आपको आता ही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। कल हम आपका होम टैब खत्म कर देंगे, ठीक है, और मंडे से जी हम आपका बिल्कुल, पिवट टेबल स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपके पास एक काम रहेगा कि आप होम टैब के अंदर जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं जो मैंने नहीं कराया या इग्नोर कर दिया, आपने नहीं किया, ऐसे ऐसे चीज़ों को आप ढूंढें, ठीक है। जी, वो देखिए ये होम टैब ये सारी चीजें मोस्टली मुझे आप एक बार आती देख हैं। लीजिए ना, कोई चीज़ छूटना नहीं ठीक चाहिए। होता है क्या है कि ठीक बहुत है सारे जी एक्सपर्ट को भी छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती है करके, ठीक है ना? तो ऐसा आपके साथ नहीं जी, होना चाहिए, आप एक बार देख ले एटलीस्ट। मान लीजिए हाँ, आज जान जाएंगे, नहीं यूज करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन जब आपका यूज आएगा, नज़र के सामने आएगा, तो आपका मेमोरी तुरंत जो है वो चीज़ को याद दिला देगा। ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ पूछिए, क्वेश्चन के लिए हमेशा वेलकम है। जैसे अगर जैसे हम कंट्रोल एफ करके कुछ चीज सर्च करते हैं एक्सेल में, मगर जैसे हमारे पास रो 1 है, मतलब कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, इसमें नंबर डाले हुए हैं हमने 1 2 3, और फिर कॉलम D में हमने तीनों तीनों नंबर को ज्वाइंट करके लिखा है, मगर वो क्योंकि 0 वैसे लेगा नहीं तो हमने कॉन्केट लगा के हमने उसको 0 डाल के हमने उसको बड़ा कर दिया 0 फॉर्मेट में, 0 1 0 2 0 3 करके। जब हम सर्च करते हैं कंट्रोल एफ करते हैं तो वो क्योंकि वो फॉर्मूला है उसको सर्च में नहीं लेता है। हाँ, तो आप कंट्रोल एफ जब करेंगे तो शायद आपने कभी यहाँ देखा नहीं होगा, ये दिख रहा है आपको सर?
ये लुक इन फॉर्मूला, ये तो है। अब जैसे ये तो मैंने कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको करके मतलब अब जैसे मैं सिर्फ नंबर डाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप नंबर डालेंगे तो वो अब मुझे देखना है, पोजीशन देखनी है ये वाली की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है, ये वाले नंबर के। तो वो फॉर्मूला को या तो मैं फॉर्मूला डालूँ या फिर नंबर डालूँ। सर फॉर्मूला डालिए, क्योंकि फॉर्मूला पे आपका नंबर और फॉर्मूला दोनों कवर होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सुनिए, तो यहाँ पे एफटी कर दिया, और इस पे मैं कर देता हूँ 10, 10 कर दिया ना सर, 10 कर दिया, और फिर यहाँ हमने इसमें माइनस कर दिया 75। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कंट्रोल एफ जब आप करते हैं और सर्च फॉर्मूला, और मैं 10 कर दिया, 10 करने के बाद यहाँ पे मैं फाइंड ऑल पे क्लिक कर, नहीं आया। एक मिनट, अच्छा सिलेक्शन नहीं, ठीक है, नहीं, आप सेलेक्ट क्यों करेंगे सर? लुकिंग फॉर आपको वो तो पूरे उसमें कहीं पर भी ले लेगा ना, हाँ, तो नहीं ऐसा तो लेगा, नहीं होता था, नहीं लेगा सर पता नहीं ये। क्यों ऐसा तो होता नहीं था। हालांकि 10 नंबर है, उसको भी तो लुकअप करना चाहिए ना। वो 10 आपका वो है, सिर्फ आपको विजुलाइज कर रहा है। हाँ नहीं यहाँ भी तो 10 है। अच्छा एक मिनट, तो फॉर्मूला को वही छोड़ के मैं कर वैल्यू करता हूँ, ठीक है ना, वैल्यू करिए। ये भी लुकअप नहीं कर रहा है। नहीं करेगा इससे नहीं। नहीं लुकअप तो कर ही रहे, बाय रो बाय कॉलम से क्या मतलब जे जो उससे कोई मतलब ही नहीं। पता नहीं, नए एक्सेल में से प्रॉब्लम, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो हम नंबर वगैरह अंदर जाके लुकअप कर लेते थे। मैंने कई बार चीजें की है, कई बार ये चीज हम की है, अगर तो मतलब मेरा ये था, तो फिर मैंने उसको क्या करा कि मैंने उसे नंबर्स में पेस्ट कर लिया, मगर ये मुझे मैं क्यों करूं अच्छा अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो। अब इसको मैंने कॉपी जैसे करके मान लीजिए कॉपी मैं करा, वैल्यू पेस्ट करते हैं, अब ढूंढते हैं, वैल्यू पेस्ट कर, अब कर लेगा। ओके ओके, नहीं, गड़बड़ था, एक मिनट, तो कंट्रोल एफ, कर रहा है सर, फॉर्मूला कर लिया, वैल्यू कीजिए तो वैल्यू जाए। पहले नहीं कर रहा था, उसका अच्छा, रीजन कुछ और था सर, उसका वो रीजन था आपने कि यहाँ पे स्पेस टैब स्पेस आ गया। दे। अच्छा, आप एक एक काम करिए, रो ए में आप लिखिए 01। जी यहाँ पे 01 और सिंगल कोट लगा के लिखना पड़ेगा ना आपको सर। आप एक काम करिए ना, आप इजिकल टू रो 1 कर दिया, इजिकल टू रो 1 या तो नहीं, नंबर्स को लिए इसको, रो लिखिए, रो फिर आप वो मत लिए, इजिकल नहीं टू आप करना चाह रहे यहाँ पे इक्वल टू रो, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते तो जो नंबर आ रहे हैं ये या रिजल्ट, बस। हाँ बस ये ये फाइव को वाला। लुकअप करना तो चाहते हैं आप। नहीं, मैं आपके साथ आपके साथ शेयर शेयर करूं करूँ कुछ? जरूर, मैं आपके स्क्रीन दे रहा एक हूँ। मिनट।